और देखिए बड़ी खबर है, पीएम मोदी तीसरी बार पीएम पद की शपथ लेने जा रहे हैं और उसकी तैयारियां जोरों पर हैं। शपथ ग्रहण को लेकर एनडीए तैयारियां कर रहा है। कई देशों के प्रमुखों को न्योता भी भेजा गया जो समारोह में शामिल होंगे। नरेंद्र मोदी की लगातार तीसरे शपथ ग्रहण की तैयारियां तेज हैं। अब तक की जानकारी के मुताबिक नरेंद्र मोदी समेत एनडीए के नेता 7 जून यानी कि कल राष्ट्रपति से मिलेंगे, सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे और इसके बाद 9 जून को शपथ ग्रहण का कार्यक्रम होगा। पहले शपथ ग्रहण 8 जून को ही होना था। तपोनिष्ठ प्रधानमंत्री, जिनका अपना लंबा प्रशासनिक अनुभव भी है और जिसने असंभव को संभव करके दिखाया है, एनडीए अलायंस को इतनी बड़ी जीत दिला करके जिस प्रकार से मौका दिया है, यह हम सबके लिए सौभाग्य की बात है। और खासकर ऐसे बदलते परिदृश्य में, जब 21वीं शताब्दी में भारत की तरफ दुनिया देख रही है, ऐसे व्यक्ति का मंत्रिमंडल बनना जिसके लिए दुनिया के सभी नेताओं ने जिस ढंग से अपनी प्रतिक्रिया दी है, यह हम सबको गौरवान्वित करने वाली है। मुझे प्रसन्नता है कि वो शपथ लेने जा रहे हैं। कल भी हमारे प्रधानमंत्री जी, एनडीए के नेता भी चुने गए हैं और प्रधानमंत्री जी इस देश के थर्ड टाइम, लोग पूरे देश के लोगों की इच्छा थी कि वो प्रधानमंत्री बनने चाहिए और ये बनने जा रहे हैं। शपथ ग्रहण की तैयारियों को अंतिम रूप देने के लिए बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर बड़ी बैठक हुई। बीजेपी और केंद्र सरकार ने शपथ ग्रहण को भव्य बनाने की तैयारियां शुरू कर दी है। मेहमानों की लिस्ट तैयार की जा रही है। देश विदेश के कई मेहमानों को आमंत्रित किया जा रहा है। शपथ ग्रहण समारोह के मेहमान में शेख हसीना, जो कि बांग्लादेश की प्रधानमंत्री है, उनका नाम भी है। रानिल विक्रमसिंघे, श्रीलंका के राष्ट्रपति। पुष्प कमल दहल, नेपाल के प्रधानमंत्री। जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक, भूटान के राजा। प्रविंद कुमार जुगनाथ, मॉरिशस के पीएम। आज पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर बैठक और बैठक में कई बिंदुओं पर मंथन हुआ। आज का सियासी अपडेट देखा जाए तो जेपी नड्डा के आवास पर बीजेपी की बैठक, लखनऊ में सीएम योगी ने बुलाई बैठक, मुंबई में अजीत पवार ने बुलाई बैठक और दिल्ली में एनडीए सांसदों की बैठक। अब कल की तैयारियों को लेकर देखा जाए तो सुबह 11:30 बजे बीजेपी संसदीय दल की बैठक होगी, दोपहर 2:30 बजे एनडीए संसदीय दल की बैठक होगी, शाम 5 बजे एनडीए के नेता सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे और 9 जून को नरेंद्र मोदी का तीसरा शपथ ग्रहण हो सकता है। राष्ट्रपति भवन से आए एक आधिकारिक स्टेटमेंट में कहा गया कि मंत्री परिषद के आगामी शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियों के कारण राष्ट्रपति भवन बुधवार से रविवार तक आम जनता के लिए बंद रहेगा। ऐसे में माना जा रहा है कि शपथ ग्रहण समारोह राष्ट्रपति भवन में ही होगा। अटकलें ये हैं कि एनडीए की नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह कर्तव्य पथ पर न होकर राष्ट्रपति भवन में होगा। रिपोर्ट, भारत 24।